नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट पटना द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 27 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो वो सभी वकील जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है वो सब इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो न्यूनतम उम्र सीमा 35 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम 50 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी ओएच को 500 रुपए देने होंगे और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 1000 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 21/3/2020 तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO भुवनेश्वर द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी असिस्टेंट मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 12 है। जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो अभ्यर्थियों के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो लगभग 44 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 से 500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 18/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nalcoindia.com पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर भी जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान SSA पंजाब द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मास्टर कैडर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 2182 है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो हिंदी में 40 है, सोशल स्टडीज में 52 है, पंजाबी में 60 है, मैथ्स में 450 है, साइंस में 700 है, वहीं इंग्लिश में 880 है। जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो स्नातक की डिग्री के साथ साथ बीएड इन रेलेवेंट फैकल्टी या सब्जेक्ट का होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल की उम्र सीमा तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी को 500 रुपए देने होंगे, जनरल और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 1000 रुपए देने होंगे। वहीं ईएक्सएसएम को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 18/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.ssapunjab.org पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। और साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड OMCL द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, जूनियर नर्स, जूनियर फार्मासिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 128 है। जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत डिप्लोमा इन रेलेवेंट डिसिप्लिन का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 32 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR और OBC को 500 रुपए देने होंगे। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 19/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.omcltd.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस BFUHS फरीदकोट पंजाब द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, आर्टिस्ट कम मॉडलर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन या ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन, कारपेंटर, कैशियर, क्लर्क, क्लर्क कम कैशियर, डायलिसिस असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, डाइट सुपरवाइजर, ECG टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ विजिटर, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2, मीडिया मेकर, मेडिकल या साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, प्लास्टर कटर, प्लम्बर, स्पीच थेरेपिस्ट, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, लॉ ऑफिस असिस्टेंट, सिस्टम मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, ऑप्थेल्मिक ऑफिसर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ICU टेक्नीशियन, परफ्यूजनिस्ट, मैनिफोल्ड सुपरवाइजर, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, CSST सुपरवाइजर, CSST असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 593 है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत 10वीं या 12वीं या डिप्लोमा या डिग्री या PG एंड रेलेवेंट डिसिप्लिन रिलेटेड कोर्स का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 19/3/2020 की तय की गई, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.bfuhs.ac.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी और अप्लाई करने के लिए इस पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें।
अब आगे हम बात करेंगे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 806 है। जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ मराठी भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा अलग पदों के लिए अलग अलग होंगी, जिसके तहत 38 साल तक के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR के लिए 374 है, वहीं BC के लिए 274 है। आखिरी तारीख की बात करें तो 19/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट mahampsc.mahaonline.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन KSRTC बैंगलोर द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ड्राइवर, ड्राइवर कम कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 3,745 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, जिसके तहत अभ्यर्थियों का 10वीं पास के साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 24 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 35 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल 2A, 2B, 3A, 3B को 500 रुपये देने होंगे और बाकी सभी को 250 रुपये देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 20/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.ksrtc.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है फेज 8 सिलेक्शन पोस्ट, लाइक लैब असिस्टेंट जियोलॉजी ग्रेड 3, टेक्निकल ऑपरेटर स्टोर कीपर ग्रेड 2, जूनियर इंजीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फील्ड असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर डाइटिशियन ग्रेड 3, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट टेक्सटाइल डिजाइनर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर फ्यूमिगेशन असिस्टेंट लेबोरेटरी अटेंडेंट लाइब्रेरी क्लर्क जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1355 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, जिसके तहत मैट्रिकुलेशन या 10+2 या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल की तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 30 साल की तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी आवेदकों को 100 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 20/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DTE असम द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट, बियरर, प्यून, चौकीदार, वर्कशॉप, जुगली। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 105 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, जिसके तहत 8वीं पास या 12वीं पास या स्नातक या BSc या ITI आदि में डिग्री होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 38 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 20/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट dte.assam.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL मुंबई द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस, नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 500 है। ट्रेड्स की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिस्ट, अकाउंटेंसी, डेटा एंट्री। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत 12वीं पास या ITI या डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट आदि की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भर सकेंगे। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 24 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 20/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 158 है। वहीं जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो कैंडिडेट जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, साथ ही साथ 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो रेलवे और क्लर्क में,
वो सभी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए कोई निर्धारित उम्र सीमा तय नहीं की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 20/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट ser.indianrailways.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट जज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 34 है। जहां तक एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो वो सभी वकील जिनके पास 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ डिग्री इन लॉ है और इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान भी है, वो सभी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो यूआर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा 48 साल है। नई एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर को 1500 रुपए देने होंगे, वहीं रिजर्व कैटेगरी को 750 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 21/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.gujarathighcourt.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आज के साप्ताहिक रोजगार समाचार में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।